नमस्ते यार एंड वेलकम एंड दिस इज़ ऑर्गेनिक नेत्रा प्रोडक्ट रिव्यू वीडियो मैंने ऑर्गेनिक नेत्रा के बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपको बहुत सारे वीडियोज़ में सजेस्ट किए हैं और मैंने बताया है कि काफ़ी अच्छा ऑप्शन है काफ़ी अफोर्डेबल ऑप्शन है एंड काफ़ी यू नो नेचुरल है बट मैंने इसके बारे में डिटेल का भी वीडियो नहीं बनाया है सो आई फील के लेट्स मेक अ वीडियो ऑन दिस एंड आज के वीडियो में मैं आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स दिखाऊंगी ऑर्गेनिक नेत्रा का और उसके बारे में मैं आपको डिटेल बताऊँगी इन लेस टाइम तो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो अगर आपको एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट चाहिए अगर आपको नेचुरल प्रोडक्ट चाहिए इनअफोर्डेबल प्राइसेस बिकॉज आप इसमें से बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे होंगे एंड आई डोंट वॉन्ट कि आप कोई भी गलत प्रोडक्ट खरीदो या फिर किसी गलत जगह पे अपने पैसे को वेस्ट करो सो so चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं सो द फर्स्ट प्रोडक्ट इज़ माई फेवरेट प्रोडक्ट विच इज़ एलमंड ऑयल मैंने बहुत बार आपको अपने बहुत सारे वीडियोज में बताया है स्पेशली मेरे हेयर केयर पर बताया है कि मैं अपने हेयर लेंथ पर आलमंड ऑयल ही यूज़ करती हूँ और मैंने बहुत बार बताया कि मैंने ये वाला आलमंड ऑयल चूज़ किया अपने लिए और इसको मैं यूज करती हूँ और आप देख सकते हो आई हो कि बहुत बहुत ही लंबे टाइम चलता है मैंने एक साल से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ और ये अभी तक इतना ही यूज़ हुआ है जबकि मैं अपने स्किन पर भी यूज़ कर लेती हूँ मैंने अपने डार्क सर्कल्स पर भी यूज़ किया मैंने आपको बताया था मैं अपने हेयर लेंथ पर हर हेयर वॉश से पहले यूज़ करती हूँ और डेफिनेटली दिस इज़ वेरी वेरी अमेजिंग क्यों क्योंकि ये हंड्रेड सर्टिफाइड ऑर्गेनिक है यू ऑर्गेनिक है ये स्वीट आलमंड ऑयल है और ये कोल्ड प्रोसेस मेथड से बना है इसमें कोई भी तरह का मिनरल ऑयल पैथलेट्स सल्फेट्स पैराबिस नॉन जीएमओ एंड हैगजेन फ्री है ये एंड मैं नाम तो नहीं लूँगी बट बहुत ही फेमस एलम्ड ऑयल है जिसमें एलमंड ऑयल के नाम पे सेवेंटी टू एटी परसेंट मिनरल ऑयल होते हैं एंड दिस हैज़ नो मिनरल ऑयल इन इट अल्कोल प्रोसेस मेथड से ये स्वीट एलम ऑयल बनाया गया है एंड इसकी प्राइस है फाइव नाइन्टी नाइन फॉर टू हंड्रेड एम एल तो ये काफ़ी बड़ा बॉटल है टू हंड्रेड एम एल का जिसकी प्राइस फाइव नाइन्टी नाइन है बट डेफिनेटली ये आपको अमेजोन पर या फिर आप इनके वेबसाइट को चेक कर लेना वहाँ पर आपको थ्री हंड्रेड टू फोर हंड्रेड में मिल जाएगा विच इज़ सो अफोर्डेबल ऑप्शन और इतना अच्छी क्वालिटी है एंड मुझे ये भी पता चला है कि ब्रांड इस पर साइंटिफिक रिसर्च करवा रही है दैट हाउ इट इज वेरी वेरी अमेजिंग फ्रॉम द अदर ब्रांड जो कि अवेलेबल है इंडियन मार्केट में सो ब्रांड इज क्लेमिंग कि ये सबसे बेस्ट है एंड सबसे अच्छी क्वालिटी का है एंड अगर इस प्राइस में मिल रहा है तो यू शुड गो फॉर इट और मैं एक साल से यही वाला यूज कर रही हूँ तो मुझे पता है कि इसकी क्वालिटी बहुत ही ज्यादा अच्छी है दैट इज वाई दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट प्रोडक्ट फ्रॉम ऑर्गेनिक नेत्रा नाउ द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज माई मदर्स फेवरेट और ये है ऑर्गेनिक कुमकुम जो भी हमारी मम्मीज़ आंटीज़ ये लोग सिंदूर यूज़ करती है उसमें बहुत ही सारे केमिकल्स होते हैं और उनके वजह से उनका जो यहाँ का स्किन है बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो जाता है स्पेशली यहाँ का जो स्किन है वो एकदम अलग तरह का प्लास्टिक टाइप का हो जाता है प्लस वहाँ के जो जितने हेयर होते हैं वो खत्म हो जाता है और हम वहाँ का जो स्कैल्प है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा लगने लगता है ब्रॉड हो जाता है तो दैट इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम वेरी बिग इशू बिकॉज़ क्योंकि उसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं आर्टिफिशियल हार्मफुल कलर्स होते हैं और उसमें लेड होते हैं बहुत सारे में तो ग्लिटर्स भी होते हैं तो दैट इज़ ऑल्सो हार्मफुल बट दिस इज़ ऑर्गेनिक पेस्ट एंड दिस कम्स इन टू कलर्स ये मरून है और एक रेड भी आता है एंड दिस इज़ वेरी अमेजिंग इनिशिएटिव आप ले सकते हो अगर आप मैरिड हो या फिर आपके घर में बहुत लोग मैरिड होंगे तो आप उनके लिए एक अच्छा सा ऑर्गेनिक मगर उनको गिफ्ट करते हो तो दैट वुड बी सो अमेजिंग और मैंने गिफ्ट किया था मेरे मदर को मैं यहाँ पे सब कुछ सारे इंग्रीडियंट्स शो कर दूंगी ताकि आपको क्लियर रहे और आप देख पाओ कि एक्चुअल में मैं जो बता रही हूँ वो सच है अदरवाइज आप वेबसाइट पर जाकर के अमेजॉन पर जाकर के भी देख सकते हो ठीक है और इसमें जो ऑर्गेनिक इंग्रीडियंट्स डाले गए हैं वो हमारे स्किन को हील करता है और हमारे स्किन को जो भी फर्दर डैमेज हुआ है उससे वापस रिपेयर करने में हेल्प करता है एंड आपको और भी ज़्यादा नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा सॉरी बहुत लंबे टाइम तक चलता है बिकॉज एक पेस्ट की तरह होता है लेट मी जस्ट शो यू आप देख सकते हो कि ये बिल्कुल एक पेस्ट की तरह है आपको इस तरह से लेना है एंड दिस इज द कुमकुम सो यू कैन गो फॉर दिस अगर आप या आपके घर में कोई भी कुमकुम यूज़ कर रहे हैं एंड यू आर अवेयर एंड यू वॉन्ट टू यूज़ नेचुरल प्रोडक्ट जो कि आपको हार्म ना करे अदरवाइज़ पाँच दस रुपये में भी कुमकुम -कुम मिलते हैं लेट्स गोन् माई विंटर फेवरेट बिकॉज स्किन बहुत ही ड्राई हो जाती है विंटर्स में एंड वी नीड अ स्क्रब और इसके लिए मैं ये स्क्रब यूज़ करती हूँ एंड एंड बिलीव मैं ये बहुत ही लंबे टाइम तक चलता है मैं इसको बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ बट इतना ही ख़त्म हुआ है बिकॉज़ ये एक पाउडर फॉर्म में आपको थोड़ा सा लेना है और अच्छे से स्क्रब करना है और मैं अपने फेस पे भी इसको यूज कर लेते हो अदरवाइज दिस इज अ फेस एंड बॉडी स्क्रब और इसमें कोई भी तरह का केमिकल्स कोई भी तरह का फ्रेग्रेंस कलर कुछ भी नहीं डाला गया और इसके इंग्रेडिएंट्स है वॉलनट ग्रैनुल्स, अरेबिका कॉफी पाउडर विटामिन ई ऑयल कोकोनट ऑयल एंड आलमंड ऑयल वेरी वेरी अमेजिंग प्रोडक्ट इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ फेस स्क्रब या बॉडी स्क्रब जो कि 100% नेचुरल हो ऑर्गेनिक हो तो आप इस प्रोडक्ट को चूज़ कर सकते हो एंड मोस्ट अमेजिंग थिंग ये इतना अफोर्डेबल है ये 135 ग्राम का बॉटल है जिसका प्राइस है थ्री बट डेफिनेटली आपको ये 300 से कम में ही मिला था मुझे आ, मुझे अराउंड 280 या 290 में मिला था ये प्लस मुझे ये सेटिस्फैक्शन है कि मैं एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ मैं एंड स्क्रब इज़ अ प्रोडक्ट जो हमारे स्किन को स्क्रब करता है डेड स्किन रिमूव करता है तो वो डायरेक्ट टच होता है हमारे न्यू स्किन लेयर से तो मैं नहीं चाहती हूँ कि इसमें कोई भी तरह का केमिकल्स हो अगर आपको कोई अच्छा सा अफोर्डेबल ऑप्शन चाहिए बॉडी स्क्रब में जो हंड्रेड नेचुरल है यू कैन गो फॉर दिस वन नेक्स्ट प्रोडक्ट ये तो कैस्टर ऑयल और आपको पता है कि कैस्टर ऑयल हमारे स्किन के लिए हेयर के लिए कितना ज़्यादा अच्छा होता है और मैं जब भी कोई भी डी आई वे हेयर ऑयल आपको बताती हूँ तो इसमें मैं बताती हूँ कि कैस्टर ऑयल आप एक दो चम्मच इसमें ज़रूर डाल लीजिएगा ताकि उसके बेनिफिट्स बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए एंड कैस्टर ऑयल के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं न्यू हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है हेयर ग्रोथ को इंक्रीज़ करता है एंड अगर आपको यू नो वॉल्यूम कम है तो वॉल्यूम प्रोवाइड करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है आप देख सकते हो कि मैंने अभी अपने आई लैशेज़ पर ऑयल अप्लाई किया है बिकॉज दिस मेक्स योर लैशेज ग्रो आई रोज पे भी आप अप्लाई कर सकते हो और ये भी 100% परसेंट सर्टिफाइड ऑर्गेनिक है यू एस डी ऑर्गेनिक एंड दिस इज़ टू हंड्रेड फिफ्टी एम एल फॉर थ्री नाइनटी नाइन रुपीज़ सो वेरी वेरी अफोर्डेबल और डेफिनेटली थ्री नाइन्टी नाइन में नहीं मिलेगा आपको अराउंड थ्री हंड्रेड में ये मिल जाएगा विच इज़ टू फिफ्टी एम एल तो आपको बहुत ही अच्छा प्राइस में ये मिल रहा है और इसका इंग्रीडियंट में भी लिखा है कि दिस इज़ हंड्रेड परसेंट प्योर यू एस डी ए सर्टिफाइड ऑर्गेनिक कैस्टर ऑयल सो डेफिनेटली अगर आपको एक अच्छी क्वालिटी का कैस्टर ऑयल चाहिए इन अफोर्डेबल प्राइस तो यू कैन गो फॉर दिस एंड सभी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन प्शन में दे दूंगी आप वहाँ से जाकर के चेक कर सकते हो ना द नेक्स्ट प्रोडक्ट आप बोल सकते हो कि एक मेकअप ब्यूटी प्रोडक्ट है एंड अ लॉट ऑफ पीपल वर आस्किंग कि हम स्किन केयर तो नेचुरल करते हैं बट हम मेकअप कैसे नेचुरल करें तो आप आईज के लिए बेबी काजल यूज़ कर सकते हो दिस इज फ्रॉम ऑर्गेनिक नेत्रा एंड दिस इज़ इनरिच्ड विथ यू एस डी ऑर्गेनिक इन्ग्रीडियंट्स तो इसमें ऑर्गेनिक इन्ग्रीडियंट्स डाले गए हैं सारे इंग्रीडियंट्स मैं आपको यहाँ पे शो कर दूंगी और आप देख सकते हो कि कितना सेफ काजल है जो मार्केट का बहुत ही पॉपुलर काजल ये सब है उसमें काफी ज्यादा केमिकल्स होते हैं वो ब्लैक पिगमेंट का बनता है प्लस उसमें लेड होता है जो कि हमारे आईज़ को डैमेज करता है एंड आईज इज़ अ वेरी वेरी सेंसिटिव ऑर्गन और आपको अपने आइज़ के अराउंड तो कोई केमिकल यूज़ ही नहीं करना चाहिए बिकॉज आइज बहुत ही सेंसिटिव होती है यहाँ के स्किन भी बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं एंड अगर आप इस पर कोई भी तरह का केमिकल यूज़ करोगे दिस इज गोइंग टू डैमेज योर आइज देर आर लॉट ऑफ एविडेंस कि आइज़ के पास केमिकल्स यूज़ करने की वजह से यू uh, नो you केमिकल know, वाले प्रोडक्ट्स काजल मस्कारा एंड ये सब लगाने की वजह से अलॉट ऑफ वुमेन है लूज देयर साइट तो वो चीज को तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए तो आप अवेयर रहो सिर्फ स्किन के प्रोडक्ट्स के लिए नहीं मेकअप प्रोडक्ट्स के लिए भी क्योंकि आप क्या चीज़ यूज कर रहे हो और कितना हार्मफुल केमिकल्स रहते हैं स्पेशली रहता के अराउंड सबसे ज्यादा केमिकल्स पुट किया जाता है फर्स्टली फर्स्टली आपको फाउंडेशन लगाएंगे फिर कंसीलर लगाएंगे फिर आई शेडो लगाएंगे मस्कारा लगाएंगे आई लाइनर लगाएंगे काजल लगाएंगे एंड देन उसको बेक करेंगे ग्लिटर्स भी लगाते हैं अलग अलग कलर्स के आई लाइनर्स लगते हैं फिर यहाँ पर हाईलाइटर लगता है दैट इज वेरी वेरी हार्मफुल सबसे ज्यादा केमिकल हम सबसे सेंसिटिव ऑर्गन के अराउंड में लगाते हैं विच इज नॉट अप्रिशिएबल एट ऑल तो आप इस ऑर्गेनिक काजल को यूज़ कर सकते हो एज़ योर काजल आई लाइनर लिटिल बुट ऑफ यू नो स्मोकी आइज आप कर सकते हो इससे एंड यू विल भी कम्पलीटली सेफ कि आप कोई भी तरह का केमिकल वाले प्रोडक्ट्स नहीं यूज़ कर रहे हो एंड ये पेस्ट फॉर्म में आता है आप देख सकते हो मैंने बहुत ही कम बार यूज़ किया और ज़्यादा लगता भी नहीं है बस आपको इस तरह से करना है एंड द ब्लैक कलर इज देअर तो बस उसको आपको अप्लाई कर लेना है अगर आपको इस तरह नहीं बनता है अप्लाई करने में तो आप एक स्पूई ले सकते हो या फिर फिर ऑर्गेनिक नेत्रा में ही आपको जो स्टिक वाले काजल होते हैं मैं यहाँ पे आपको शो कर दूँगी वो भी मिल जाएगा तो वो लॉन्ग पेंसिल की तरह होता है तो आप उसको आराम से यूज़ कर सकते हो अगर आपको एक सेफ़ नेचुरल ऑर्गेनिक काजल चाहिए यू कैन गो फॉर दिस मैं इसकी प्राइस डिटेल्स अभी आपको यहाँ पर मैंशन कर दूँगी नाउ द लास्ट प्रोडक्ट इज़ रोज़ वाटर दिस इज़ माई सेकेंड बॉटल ऑफ रोज वाटर और ये इतना स्पेशल क्यों है बिकॉज़ ये हंड्रेड परसेंट प्योर एंड ऑर्गेनिक रोज़ वाटर है बट इसमें वाइटामिन सी भी डाला गया है जो कि आपकी स्किन पर एक ब्राइटनेस प्रोवाइड करता है राइट right? तो आप जब भी, भी इसको यूज़ करोगे उसके बाद आपको लगेगा मैं इसको एज़ अ फेस टोनर यूज़ करती हूँ जब भी मैं इसको यूज़ करती हूँ उसके बाद स्किन पर ब्राइटनेस आती है विच इज़ अमेजिंग यू नो एंड दिस इज़ टू हंड्रेड एम एल फॉर थ्री नाइन्टी नाइन रुपीज़ बट डेफिनेटली आपको डिस्काउंटेड प्राइस पर मिलेगा एंड कीडियंस आर हंड्रेड परसेंट प्योर ऑर्गेनिक रोज वाटर एंड वाइटामिन सी तो इसमें कोई भी तरह का केमिकल्स नहीं है नो पैराबिन नो सल्फेट्स नो पैथेलेट्स नो मिनरल ऑयल एंड एल्कोहल फ्री है ये एंड यू कैन यूज दिस रोज वाटर एज अ फेस टोनर आपका स्किन पे एक ब्राइटनेस लाएगा आपके स्किन को हाइड्रेट करेगा सो दैट इज ऑल अबाउट दिस अगर आपको एक अच्छा रोज वाटर चाहिए यू कैन गो फॉर ऑर्गेनिक नेत्रा एंड ऑर्गेनिक नेत्रा में बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं बट मैं सभी को तो कवर नहीं कर पाऊंगी तो ये घंटों का वीडियो बन जाएगा सो या दैट इज़ ऑल अबाउट दिस अगर आपको और भी प्रोडक्ट्स के बारे में जानना है यू कैन कॉमेंट में डाउन बिलो एंड अगर आपको इसी तरह के और भी मुझसे वीडियोज़ चाहिए डेफिनेटली सब्सक्राइब टू माई चैनल ताकि आपको मुझसे रेगुलर वीडियोज़ मिले एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल हेयर सी यू ऑल अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो टिल देन टेक केयर एंड बाय